तो जब पूछे राजनीति के बरा कि भाई बिना राजनीति के कैसे होगा, तो उसको बोलो कि भाई बिना राजनीति के ये बताओ कि राजनीति कितने दिन से आई है और तुम कितने दिन से राजनीति कर रहे हो। क्या उससे पहले तुम सम्राट नहीं थे? क्या उससे पहले तुम राजा नहीं थे? क्या उससे पहले देश के मालिक नहीं थे? क्या इतिहास नहीं पढ़े हो? क्या उससे पहले पार्टियां थी? क्या उससे पहले पॉलिटिक्स थी? तो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि राजनीति वहां से आरंभ होती है जहां संघ होता है। जिनके पास संघ होता है वो दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। राजनीति उनके लिए पैर का नखून के बराबर है, पैर की जूती के बराबर है। राजनीति तो रोज बदलो, जैसे महिलाएं ने अपना नेल पॉलिश लगाती हैं अपने अंगूठे पे, अपने नखून पे जैसे पेंट लगाती हैं वो, और जैसे हरी साड़ी पहनती है तो हरा लगा लेती हैं, लाल साड़ी पहनती लाल लगा लेती हैं, वैसे राजनीति है। जिसके पास संघ है वो रोज राजनीति करे, रोज बदले, रोज प्रधानमंत्री बदले, रोज मुख्यमंत्री बदले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसके पास संघ नहीं है और वो गलती से मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, गलती से बन जाए, तो हाथ जोड़ेगा तो कुछ दिन चल पाएगा, उसके पीछे कुछ तो है ही नहीं। और हाथ नहीं जोड़ेगा तो ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं, निकाल के बाहर कर देंगे, कोई और आ जाएगा। पर जिनका संघ होता है उनका प्रधानमंत्री हाथ जोड़े या ना जोड़े, जब तक संघ चाहेगा वो बना रहेगा। उनका मंत्री जब तक चाहे, जब तक संघ चाहे, जब तक बना रहेगा, क्योंकि संघ में शक्ति है, राजनीति में शक्ति नहीं है। ये बात आज के उदाहरण से आप उनको समझा सकते हो कि भारत में वही लोग ताकतवर हैं राजनीति में जिनका संघ है। राजनीति से संघ नहीं बनाए, पहले राजनीति आई उसके बाद संघ बनाए, ऐसा नहीं हुआ है। पहले संघ बना है फिर राजनीति के मालिक हुए हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि राजनीति सब कुछ है, अरे भाई सब कुछ हो सकती है, क्योंकि आपको कानून बनाना है, सत्ता मिलती है, सारे अधिकार यहां से मिलते हैं, मानते हैं। पर उसको लाने के लिए आपको इकट्ठा तो होना पड़ेगा, आपको परमानेंट इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको अपना संघ बनाना पड़ेगा। और नहीं तो आप जोड़ते रहो हाथ, कहीं बन जाओ कोई मंत्री संतरी मुख्यमंत्री वगैरह दो चार दिन के लिए, उन्हें कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, वो तो बस किसी की दया पर, किसी की मर्जी पर रहते हैं। तो सवाल आता है, वो कहते हैं जी बिना चंदा के कैसे होगा? ये बात कन्विंस कर लेगा वो, तो पूछेगा कि बिना चंदा कैसे होगा, क्योंकि वो चंदे ले देते हैं। 29 लाख संगठन इसलिए परेशान हैं, उनकी इसलिए बड़ी आफत आ रखी है, क्योंकि लोगों ने चंदा देना मना बंद कर दिया है। आज बता रहे थे हमारे जो समर संघी है अतेंद्र सर, वो कह रहे थे कि कोई पार्टी का नेता आया, उन्होंने समर संघी किताब दी, उस पार्टी के कार्यकर्ता ने बात की, सारे लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम एक पार्टी कार्यकर्ता हो, एक पार्टी के कार्यकर्ता से क्या बनेगा, आप सारी पार्टी को एक साथ आना चाहिए। इस पर वो बिखर गए, ऐसा तो हो नहीं सकता जी। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, जब तुम टूट सकते हो तो तुम्हें इकट्ठा होने में शर्म आती है क्या? पर यह नेतागिरी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी पार्टियां आएंगी तो सबकी चलेगी, लोगों की चलेगी, फिर वो इकट्ठे ना हो। उसके बाद उन्होंने चंदा मांगा कि हम इतने दूर से आए हैं, कुछ पार्टी के लिए चंदा वंदा दो। अब संघियों ने कह दिया जी हमें तो चंदा देने के लिए मना किया हुआ है संघ ने, जब आप सब इकट्ठे हो जाओगे तो ले जाना चंदा, इकट्ठे होके आओगे तो ले जाओ, चंदे को मना ही नहीं है, पर देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। वो चले गए झगड़ते हुए लड़ते हुए अपना समूह लेके, जाओ सब जगह ऐसा ही हो रहा है। इसलिए सारे संगठन जितने भी 29 लाख संगठन है उनका आखिरी फेज है, उनका आखिरी दौर चल रहा है। उन्हें पता है कि संघ तो कभी खत्म होते नहीं, संघ आज तक ना खत्म हुए। संघ कमजोर हो सकते हैं, संघ धीरे चल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर संघ खत्म नहीं होते। पर संगठन खत्म होते हैं, संगठन गिर जाते हैं, चित्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, वो चलते रहते हैं, जैसे खरपतवार होती है। और संघ समझो जैसे विशाल बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लंबा चौड़ा होता है, जितना लंबा उतना चौड़ा बरगद का पेड़, इसकी जो शाखाएं लटकी रहती हैं दूर दूर तक, और घना छांव वाला होता है। तो क्या होगा फिर ये होगा कि वो सारे लोग बार बार कहेंगे जी कि इनका चंदा कहीं बाहर से आता होगा, कोई इनको फाइनेंस करता होगा, कोई पैसा कहीं ना कहीं से आता होगा, बिना चंदे के कैसे कर लेंगे? क्योंकि उनके जो कार्यक्रम 20 लाख रुपए में होते हैं वो कार्यक्रम हम संघियों के 350 रुपए में हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपना खाने का, पीने का, बैठने का 350 रुपए देता है, और उसमें भी लास्ट में पैसा जब शाम को 4-5 बजे हिसाब देता है संघ, तो कहता है जी इस बार 30,000 रुपए बच गए, इस बार 20,000 रुपए बच गए, अब हमारी संघ जो संघियों की संगति लगती है उसमें कुछ ना कुछ बच ही जाता है, जो हमारे रोजमर्रा के काम में खर्च हो जाता है, जैसे जूम का खर्चा है या कहीं छोटा मोटा खर्चा ऐसा आता है जो सामूहिक खर्चा होता है, जो करना होता है। तो हमने तो कहीं 20 लाख रुपए खर्च किया नहीं, और उससे बढ़िया संगति लगती है हमारी, और सब खुश होकर जाते हैं, और किसी के दिमाग में वजन नहीं, किसी को जोर नहीं पड़ता कि 10,000 देने या 5,000 देने या 15,000 देने, और संगति बहुत बढ़िया होती है, खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, पारिवार होती है।
तो उनको ये कहना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारा ये डाउट है कि हमें कहीं पैसा बाहर से आता है, संघ को कहीं पैसा बाहर से आता है, तो इसका खाता चेक कर लो। तो क्या चेक करोगे, हमारे पास तो खाता ही नहीं है। संघ का नियम है, खाता है ही नहीं। और अब तो संघ का डायलॉग भी है, ना खाता ना बही, और जो संघ कह दे वो सही। तो हमारा खाता बही तो है नहीं, तो क्या चेक करोगे? जब हमारा डिक्लेयर्ड है कि हमारा कभी खाता बनेगा ही नहीं, संघों के खाते होते नहीं है, तो हम पैसा काय मिलेंगे? और आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसकी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि लेन देन सारा आपको अकाउंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, और खास तौर से मोटी रकम तो अकाउंट के थ्रू ही आती है, छुट्टी तो आती नहीं। और विदेश से तो पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि विदेश का पैसा तो बंद है। यहाँ के जितने भी संस्था है उनके लिए बाहर का जो पैसा है, फॉरेन एड्स है, वो बंद है, तो बाहर का पैसा आ नहीं सकता। तो फिर पैसा आ ही नहीं सकता हमारे पास, तो तुम कैसे ब्लेम लगाते हो? चलो मान लो अगर आपको फिर भी डाउट है, तो भाई संघ में विजिटर्स के रूप में आ सकते हो आप। ये ठीक ऐसे जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो विजिटर आते हैं वो बैठ जाते हैं, देखें कार्रवाई कैसे कैसे नहीं है, वैसे ही यहाँ 3 घंटे रोज खुलता है, हाउस में भी आ सकते हो, यहाँ कोई छुपी हुई बात नहीं है, आओ और आके देखो। या इससे ही मन नहीं भरता है तो टेम्परेरी रूप से संघी बन जाओ, और 1-2 महीने या देखो काम करके, काम ना भी करो तो काम को देखो कैसे होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो बिना पैसे के लेन देन के भी काम चलता है। और हमारा क्या चलता है, हमने तो जिनसे सीखा है वो बिना पैसे के लेन देन के काम चलते थे। जो पुराना समर संघ जो इतने दिनों से चला आ रहा था, उसमें एक भी कहीं ऐसा वाक्य नहीं है, ना बुद्ध के साहित्य में है, ना भिक्खु संघ के साहित्य में है, ना कहीं है, ना किस्से में, ना कहानियों में, कि जब कभी पुराने समर संघ ने लोगों से चंदा इकट्ठा किया हो, या इसीलिए इकट्ठा किया हो कि कोलियों से युद्ध होगा लाओ जी पैसा दे दो, या साक्यों से युद्ध होगा, साक्य समर संघ से युद्ध होगा लाओ पैसा दे दो, एक कहानी नहीं है। इसलिए चंदा ना लेता था संघ, ना देता है, पर अपने खर्चे खुद करता है, तो ये प्रश्न भी आपका चला जाएगा।